वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज की वीडियो में हम एक स्पेशल तरीके से यूनिक वे में डोनेट बनाएंगे इसके लिए हमें ना तो डोनेट कटर की जरूरत है और ना ही रोलिंग पिन की चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं एक मिक्सिंग बोल लेंगे इसमें डालिए दो से तीन चम्मच वार्म मिल्क दूध हल्का सा गर्म होना चाहिए टू टी स्पून ईस्ट थ्री टेबल स्पून शुगर वन टी स्पून एसेंस अगर आपके पास वनीला पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं वन एग पिंच ऑफ सॉल्ट इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पाँच से दस मिनट के लिए इसको रख दीजिए पाँच मिनट हो चुके हैं अब हम डोनेट के लिए डो प्रिपेयर करेंगे इसके लिए मैंने लिया है टू कप्स मैदा इसमें डालिए ईस्ट का मिक्सचर और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए वॉम मिल्क यूज़ करते हुए एक डो बना लीजिए मिल्क वार्म ही यूज़ करिए अगर मिल्क ठंडा होगा या फिर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब डो राइज नहीं होगा और हमारी डोनट फ्लफ़ी और स्मूथ नहीं बनेंगे मैंने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा मिल्क यूज़ किया है डो इस तरह से स्टिकी होने तक आप इसमें मिल्क ऐड करिए आप काउंटर टॉप पर थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करिए और डो को पाँच से दस मिनट के लिए अच्छी तरह से नीट कीजिए अच्छे से इसको स्ट्रेच करते हुए नीट करिए अब इसमें डालिए एक से दो चम्मच बटर या फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बटर डालने के बाद इसको अच्छे से नीट करिए आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतने ही अच्छे और फ्लफ़ी डोनट्स बनेंगे अच्छे से स्ट्रेच करते हुए एक स्मूथ सा डो बना लीजिए इस तरह से देखिए इस तरह से स्मूथ एक डो बना लीजिए अब इसको पाँच मिनट के लिए रख दीजिए इसके बाद हम इसके डोनट बनाएंगे मीनवाइल हम तब तक डो रखने डोनट्स रखने के लिए ट्रे प्रिपेयर करेंगे इसमें रखिए एक बेकिंग पेपर अगर आपके पास वो ना हो तो थोड़ा सा मैदा भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं चलिए अब हम इसके डोनेट कट करेंगे इसके लिए हमें डोनेट कटर की ज़रूरत नहीं है और ना ही रोलिंग पेन की ज़रूरत है हम इसको इस तरह से कट करेंगे छोटे छोटे पोर्शंस बना लेंगे और जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं ना इस तरह से राउंड शेप में बॉल की तरह इस तरह से इस तरह गोल बना के हम इसको रख देंगे इस पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल अगर इस पर ऑयल नहीं लगाएंगे तो फिर ये सूख जाएंगे अब इसको अच्छे से कवर करके दो घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे विद इन टू आवर्स ये राइज हो जाएंगे देखिए वन एंड हाफ आवर हुआ है और ये राइज हो चुके हैं साइज में ये डबल हो गए हैं अब हम इसको डोनट की शेप देंगे सबसे पहले हाथ में इस बॉल को लीजिए और सूखे मैदे में फिंगर डिप करके इस डो में सेंटर में होल कीजिए इस तरह से है ना इजी वे डोनेट बनाने का इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिए और इसको पाँच से दस मिनट के लिए इस तरह से रखेंगे इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे तेल को मीडियम हॉट होने के बाद इसमें डोनेट डालिए और एक साथ ज़्यादा ना डालिए एक से दो डालिए बस इसको लो फ्लेम पे टर्न करते हुए अच्छे से फ्राई कर लीजिए इस तरह से दोनों साइड्स अच्छे से फ्राई करिए इस तरह से आप चाहे तो इस तरह से हाथ से भी डाल सकते हैं या फिर स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं जो आपको बेटर लगे वो करिए डोनेट्स फ्राई होकर रेडी है अब हम इसकी ग्लेजिंग करेंगे फर्स्ट हम शुगर कोटिंग करेंगे इसके लिए एक बोल में शुगर लीजिए और शुगर में डोनेट को अच्छे से रोटेट करिए नेक्स्ट चॉकलेट की ग्लेजिंग इसके लिए चॉकलेट को मेल्ट करिए और डोनेट को इसमें डिप करिए इस तरह से शुगर डोनट और चॉकलेट डोनट बन के रेडी है आप इसको इंजॉय करिए ये बहुत ही इजी वे है डोनट बनाने का आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद